वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। नमस्ते साथियों, मैं सरोज कुमार रवानी और आप देख रहे हैं इंडियन हेड। और आज हम है जिला चतरा प्रखंड चतरा ग्राम पंचायत सिकित के ग्राम जतराही में, जहां 70 वर्षों से 25 भुइयां जाति के लोग निवास कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन पिछले एक महीने पूर्व वन विभाग द्वारा जबरन ट्रेंच काट कर और पौधा रोपण कर इनके ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर वन विभाग द्वारा 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। आइए देखते हैं ग्राम सिकित के जतराही टोला से एक रिपोर्ट। 50-60 साल से मेरा सासुर खेती बाड़ी कर रहा था, उसने घर था वहाँ भी उसमें रहते थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूरा ट्रेंच काट दिया और काट के और अथी रोप दिया, गाछ रोप दिया और कह रहा है कि बोल जो चल जाओ यहाँ से, घर से भाग जाओ। और जब हमको हस्बैंड था सब बोलने के लिए गया तो कि बोलने इसमें मत लगा, ये अथी पेड़ पौधा, हम गरीब आदमी है तो कहाँ जाएंगे, तो उसी में से पकड़ के मार पीट करके और 7 आदमी के ले जाके बंद कर दीजिए गया। तो हम गरीब आदमी तो हम गरीब आदमी कहाँ जाए, खेतना बारी है, जब अमीर रहे थे तो हम ही रहेंगे, तो हमको गरीब आदमी तो हमको कह रहा है कि हट जाओ यहाँ से चल जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम इसी से खाते थे अब कमाते थे अब कुछ भी करके, खेत मन धान है, बूट है, मटर है, मकई है, सब इसी में से करके खाते थे, अब गरीब आदमी थे हम कहाँ जाएंगे। वन अधिकार कानून के तहत 13 दिसंबर 2005 के पहले घर बनाकर और जमीन में खेती कर जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा पट्टा का लाभ मिलने का प्रावधान है, लेकिन इन लोगों को अभी तक पट्टा का लाभ नहीं मिला है। समस्या ये है सर कि हमको बाप दादा इस ज़मीन से जोत कोड़ कर रहे थे पहले से, और हम लोग भी इसी ज़मीन में जोत कोड़ अभी भी कर रहे थे, और कि अचानक वन विभाग वाला आया मशीन लेके और ट्रेंच काटना चालू कर दिया। तो हम लोग वहाँ पर गए गांव के आदमी कुछ बातचीत करने के लिए, तो अचानक उन्हें वो फॉरेस्ट वाला पकड़ के 7 आदमी के जेल ले गया और ट्रेंच काट दिया, और ट्रेंच काट के कुछ दिन के ही अंदर में वो पौधा लगा दिया। फॉरेस्ट वाला मना कर दिया है, और हम लोग इसमें खेती बाड़ी भी कर रहे थे, और वो यहाँ से भगाने के लिए बोल रहा है कि घर दुरा भी हटा दीजिए, और रास्ता भी वो ट्रेंच काट के बंद कर दिया है, हम लोग के उस घर जाने में आने जाने में दिक्कत हो रहा है, और इस ज़मीन से हम लोग के यानी कि खेती बाड़ी टोटल होता था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का ज़मीन चाहिए और सरकारी पट्टा भी चाहिए। ज़मीन मेरा था और उसमें घर बना हुआ है, और हम बीच में नर्सरी लगाने आया फॉरेस्ट वाला, तो उसको मना हम लोग किए, विरोध भी किए, विरोध किए, उसके बाद में हम लोग का 7 आदमी का जेल पकड़ करके भेज दिया गया। और उसमें उस ज़मीन में हम लोग का घर भी बना हुआ है, उस ज़मीन में शौचालय भी है, उस ज़मीन में बिजली है, सारा कुछ ट्रेंच काट दिया आने जाने के लिए, उस घर में हम लोग का रोड रोक दिया गया, हम लोग उसमें जा सकते हैं कैसे, हम लोग की जगह और है ही नहीं, और वो कहता है कि यहाँ से तो घर उठा लो, तो हम लोग घर कहाँ उठा के ले जाएं। आज हम लोग 70-72 से ज़मीन जोत रहे हैं, हमारा पिताजी घर इससे ज़मीन जोता रहा है, हम लोग जब जिस घर से छोटे छोटे थे उस समय से। कितने लोगों का घर है यहाँ पे? यहाँ 25 आदमी का घर है। सभी का ज़मीन है? सभी का ज़मीन उसमें है। आप लोग खेती करते थे? हम लोग खेती करते आ रहे हैं अभी तक। क्या क्या खेती लगाते थे? खेती हम लोग उसमें धान, गेहूँ, मकई। पट्टा के लिए आप लोग आवेदन किए हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि पट्टा के लिए आवेदन होना चाहिए, हम लोग गरीब तत्व का आदमी हैं, पट्टा मिलना चाहिए। आप लोग किस जाति से हैं? हम लोग भुइयां जाति से हैं। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ बैठक कर एक आवेदन बनाया और अंचलाधिकारी से मिलने प्रखंड कार्यालय आए, लेकिन मिल नहीं पाए, तो मैंने बड़ा बाबू से आवेदन रिसीव करवाया।
बड़ा बाबू ने फोटो और वीडियो लेने से इनकार कर दिए। आगे मैं अंचलाधिकारी से मिलकर इस समस्या पर बातचीत करूंगा। अगर आप लोगों के पास इस समस्या के समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आप सबको अपडेट करूँगा। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।